हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में कई बड़े और कड़े फैसले ले रही है ताकि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को रफ्तार मिल सके। इसी कड़ी में 15 अगस्त से पहले की शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। दरअसल स्कूल प्रबंधन समिति को किसी भी तरह के सिविल कार्य और ड्यूल डेस्क की खरीद के लिए 25-25 लाख रुपए तक की खरीद के छूट दिए गए। रिपोर्ट देखिए। 15 अगस्त की पहले की संध्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी। विभाग की ओर से स्कूल प्रबंध समिति को किसी भी तरह सिविल कार्य और ड्यूल डेस्क की खरीद के लिए 25-25 लाख रुपए तक की खरीद के अधिकार दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर कार्यकर्ता विभाग ने स्कूली स्तर पर हर एक छात्र तक ड्यूल डेस्क पहुंचाने का कार्य कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करनाल और यमुनानगर जिले सफलतापूर्वक हो चुकी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में जुलाई महीने में बैठक जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह और निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग डॉक्टर अंशुल सिंह ने यमुनानगर के जगाधारी ब्लॉक सिविल कार्यों और करनाल के करनाल ब्लॉक में ड्यूल डेस्क की खरीद को लेकर स्कूल प्रिंसिपल और जिला स्तर के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद दोनों ही ब्लॉक में सिविल कार्य और डेस्क की खरीद सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। इस पूरी प्रक्रिया को सिरे चढ़ने के लिए एसीएस डॉक्टर महावीर सिंह की ओर से सहायक निदेशक नंद किशोर वर्मा की बतौर नोडल ऑफिसर ड्यूटी लगाई गई थी। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल सरकारी स्कूल के हर बच्चे तक ड्यूल डेस्क पहुँचेगा बल्कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा सुधार होगा। योजना का सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि अब स्कूलों को अपने आवश्यक निर्माण और मरम्मत या खरीद कार्यों के लिए जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। गौरतलब है कि जटिल टेंडर प्रक्रिया और लंबी कागजी कार्रवाई की वजह से विभाग 2016 के बाद से अब तक बड़े स्तर पर ड्यूल डेस्क नहीं खरीद पाया है। निदेशक सेकेंडरी और मौलिक शिक्षा विभाग डॉक्टर अंशित सिंह के मुताबिक 17 अगस्त को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की। वहीं हर एक जिले से एक खंड का सिविल कार्य के लिए, एक खंड का ड्यूल डेस्क खरीद के लिए ड्रॉ सिस्टम से चयन करेंगे। खास बात ये रहेगी कि जिस खंड को डेस्क खरीद या सिविल वर्क के लिए चुना जाएगा वहाँ ये पूरा कार्य केवल स्कूल प्रबंध समिति यानी एसएमसी के द्वारा ही किया जाएगा। एसएमसी को शिक्षा मुख्यालय या किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग की ओर से ड्यूल डेस्क की डिमांड स्कूल से मांगी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस योजना को पूरा किया जा सके। विभाग की इस योजना है कि हर एक जिले से एक एक खंड पर कार्य शुरू किया जाए ताकि सिलसिलेवार पूरे प्रदेश में ड्यूल डेस्क और सिविल कार्य पूरा किया जा सके। वहीं हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो स्कूल प्रबंध समिति को इतनी मजबूती के साथ विकास में भागीदारी बनाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।